नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करना है टिंडर डेटिंग एप्लीकेशन के बारे में। दोस्तों आज की इस वीडियो में जानेंगे आप किस प्रकार से इस एप्लीकेशन का यूज़ करेंगे और अपना अकाउंट कैसे क्रिएट करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट और जान लेते हैं। तो ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, यहाँ से डाउनलोड करके इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। अब आपको यहाँ पे लॉगिन होना फ्रेंड, आप अपना यहाँ से जो है फेसबुक एंड अपने मोबाइल नंबर से यहाँ पे लॉगिन हो सकते हैं। तो चलिए अपने गूगल से यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर से यहाँ पे रजिस्टर होना फ्रेंड। रजिस्टर होने के बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं, अब आपको यहाँ पे कुछ परमिशन दिए जाएंगे, आपको सिंपली इसे अलाउ कर देना। अलाउ करने के बाद अब आपको अपना नाम यहाँ पे इंटर करना होगा। नाम इंटर करने के बाद आपको यहाँ पे लेट्स गो इस वाले ऑप्शन पर टाइप कर देना। टाइप करने के बाद आपका जो है डेट ऑफ बर्थ, फिर आपको अपना जेंडर यहाँ पे चूज़ करना होगा, फिर आपको आपका सेक्सुअल ओरिएंटल यहाँ पे जो भी चूज़ करना हो तो कर सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं इसे। अब आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना होगा, फिर यहाँ पे कंटिन्यू कर देना होगा। अब आपको यहाँ पे अपना यूनिवर्सिटी यहाँ पे चूज़ कर लेना होगा। अब यहाँ पे बहुत सारे कैटेगरी अब जिसमें आपका इंटरेस्ट है आपको यहाँ पे चूज़ करना होगा फ्रेंड। यहाँ पे स्पोर्ट में जैसे यहाँ पे जो भी गेम आपको यहाँ पे आपको जो भी यहाँ पे इंटरेस्ट है वहाँ पे चूज़ करके आपको यहाँ पे नेक्स्ट कर देना होगा। अब आपको अपना कोई भी फ़ोटो यहाँ पे अपलोड कर देना होगा, यहाँ पे फोटो ऐड करना होगा। तो चलिए यहाँ पे हम फोटो यहाँ पे ना ऐड कर देते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने अब फोटो ऐड किया। अब यहाँ पे नीचे कंटिन्यू वाला ऑप्शन पे हम टाइप कर देते हैं। टाइप करने के बाद अब आपको यहाँ पे अपना जो है लोकेशन का जो है परमिशन दे देना होगा। तो इससे दे जैसे देंगे तो यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। देख सकते हैं हमने आप जो है लोकेशन का परमिशन दे दिया है। अब यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो यहाँ पे अकाउंट है टिंडर का यहाँ पे बनके तैयार हो चुका है। देख सकते हैं मेरा जो अकाउंट यहाँ पे सक्सेसफुली यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अब हमको यहाँ पे जितने भी हमारे यहाँ पे लोकेशन से नियर बाय यहाँ पे रहेंगे सभी लोगों का यहाँ पे जो है प्रोफाइल हमको देखने को मिल जाएगा फ्रेंड। अब इसमें जिससे भी आप डेटिंग चैटिंग करना चाहते हैं, सॉरी यहाँ पे जिससे भी आप यहाँ पे चैट करना चाहते हैं सिंपली उस पर टाइप करके आप जो उनसे को रिक्वेस्ट कर सकते हैं। फिर यदि आपको उसमें आपका जो है इंटरेस्ट रहेगा फिर वो आपके पास यहाँ पे शेडिंग कर सकता है। लेकिन फ्रेंड यहाँ पे शेडिंग करने के लिए आपको यहाँ पे कुछ पैसे देने पड़ेंगे। यहाँ पे आपको जो है पर मंथली आपको यहाँ पे कुछ पैसे देने पड़ेंगे, उसको जो पे करके ही आप जो यहाँ पे इन शेडिंग कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं इस वाले ऑप्शन पर टाइप करेंगे तो आपको यहाँ पे लेट्स वी ज्वाइन फ्रेंड्स, तो आपको यहाँ पे जो है इस फ्रेंड से ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे ज्वाइन वाले ऑप्शन पर टाइप करेंगे, इस पर टाइप करने के बाद आप जो यहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं। एंड यहाँ पे स्टॉक ऑप्शन इस पर टाइप करेंगे तो आप यहाँ से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, यदि आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। एंड यहाँ पे जो कॉर्ड पे इस पर टाइप करेंगे तो आपका जो है अपना यूज़र नेम यहाँ पे सो हो जाएगा और आपका जो प्रोफाइल पिक्चर रहेगा सब कुछ यहाँ पे सो हो जाएगा। इसे एडिट करना चाहते तो एडिट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे कॉर्ड पे एक सेटिंग का ऑप्शन, इस पर टाइप करके जो अपना अकाउंट डिलीट भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं। एंड यहाँ पे एक ऑप्शन सेटिंग का, अब इस पर टाइप करेंगे तो आप जो अपने नियर बाई जितने भी डिस्टेंस पे आप जो अपने जो है किसी को ढूंढना चाहते हो ढूंढ सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैक्सिमम डिस्टेंस है, जैसे मैंने यहाँ पे 2 किलोमीटर यहाँ पे लगा दिया है। मेरे आसपास के जितने लोगों का यहाँ पे टिंडर में अकाउंट रहेगा सब कुछ का उसका जो डिटेल हमको यहाँ पे मिल जाएगा, आप उनसे भी डेटिंग कर सकते हैं। तो देख सकते हैं काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन है, आप इस एप्लीकेशन का यूज़ कर पाएंगे। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं आप अपने इसमें अकाउंट अपना डिलीट कैसे करेंगे। तो डिलीट करने के लिए यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन फ्रेंड यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं, आपको सिंपली इस वाले ऑप्शन पे टाइप कर देना होगा। इस पर जैसे टाइप करेंगे यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे डिलीट अकाउंट का एक ऑप्शन मिल जाता है फ्रेंड। आप इस पर टाइप करके आप जो अपना अकाउंट यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पे इस पर टाइप करना होगा फ्रेंड, यहाँ पे नीचे देख सकते हैं डिलीट माई अकाउंट, इस पर टाइप करेंगे तो आपको यहाँ पे रीजन आपको पूछेगा, कोई भी रीजन दे सकते हैं, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे कोई एक रीजन देते हैं, फिर यहाँ पे भी एक रीजन देना पड़ेगा, फिर आपको फीडबैक यहाँ पे सेव कर देना होगा, फिर आपको यहाँ पे डिलीट माई अकाउंट वाले ऑप्शन पर टाइप करके आप जो अपना अकाउंट यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं। जिसके देख सकते हैं मैंने यहाँ पे अपने अकाउंट भी यहाँ पे डिलीट कर लिया है। तो देख सकते हैं आप जो इस एप्लीकेशन का यूज़ कुछ इसी प्रकार से करेंगे फ्रेंड। तो बस आज की वीडियो में फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।